गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी आया हुआ हूं ओला के एक्सपीरियंस सेंटर। अभी एक्सपीरियंस सेंटर ओपन नहीं हुआ है, पर अभी मैं सुबह सुबह जल्दी आ चुका हूं। आज है संडे और मैं आज जो अपने गाड़ी में जो इश्यू आ रहा है उसको दिखाने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है कि रेस जो है वो लगते लगते, मतलब मैं स्पीड में चल रहा हूँ और रेस जो है अचानक से छूट जाती है, जिसकी वजह से वापस ये 10 की स्पीड में आती है गाड़ी और फिर वापस रेस लेना स्टार्ट करती है। और दूसरा इशू जो कि मैंने एक बताया था कि अपने पहले के वीडियो में भी, कि जो इसमें जो एक ये भी इशू आता है, जब मैं राजसमंद से उदयपुर आता हूँ तो टनल के अंदर जैसे ही मैं एंटर होता हूँ और वहाँ अंदर ये जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है चलनी, और उसके बाद ये पूरी रिबूट करने के बाद ही चलती है। और ये इश्यू जो है मेरे साथ हर बार आया है, तो इसको इस चीज को भी दिखाने आया हूँ। और कल मैंने इस चीज का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं लगभग 7 से 8 बार मैंने राजसमंद टू उदयपुर अप डाउन किया है और उस दौरान मेरे को आते समय टनल के अंदर हर बार ये दिक्कत आई है, तो इसलिए मैंने वो इश्यू भी दिखाना था। कल मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है उसका, जो कि मैं इसमें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। और आज यहाँ पे मेरे को क्या कहा जाता है वो चीज भी आपको दिखाई जाएगी। तो अभी मैंने, जब तक एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होता है तब तक मैंने हाइपर चार्जर पे लगा दी अपनी ओला को, तो यहाँ पे हाइपर चार्जिंग है। ये अभी मैं आया हुआ हूँ शोभापुरा एक्सपीरियंस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी अपनी हाइपर चार्ज हो रही है। वैसे मैंने पहले एक बार बात की थी तो कोई ऐसा सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं था, तो चलिए आज क्या होता है आज पूरा प्रॉपर आपको दिखाएंगे। जी हाँ गाइस, तो आप लेकर के चलते हैं अपने ओला को अंदर। इसका कुछ इश्यू समझ में नहीं आ रहा था, ये लगभग हर बार ये दिक्कत आ ही रही है जब से लिया है। गाड़ी आई है क्या सर्विस के लिए? S1 X प्लस छोटा मोटा क्या मतलब? ऐसे नहीं, किसी का कुछ मैंने नॉर्मल है, ऐसा तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ बड़ा ऐसी थोड़ी है, चल से ज्यादा ऐसी नहीं पकड़ गया ना। हाँ, ऐसा तो नॉर्मल इशू है, ऐसा तो कुछ है नहीं, पर चलते चलते ये हमारे लिए बड़ा इशू हो जाता है ना। हाईवे पे चल रहे हैं 60-70 पे, अचानक रेस छोड़ देती है, तो ये तो रेस छोड़ देती है, स्पीड पकड़ रही है, इस स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड में चल रही है, 70 की स्पीड में चल रही है, और चलते चलते में एकदम स्पीड मतलब मोटर काम करनी बंद, उसके बाद वापस 10 की स्पीड में आती है गाड़ी। 10 की स्पीड में आने के बाद वापस ऑटोमेटिक वापस रेस पकड़ लेती है। एक इश्यू तो ये है इसका, और दूसरा है कि जब मैं राजसमंद, मेरा डेली अप डाउन रहता है, तो राजसमंद से मैं आता हूँ तो ये टनल जो है ना, टनल के अंदर आते समय, जाते समय नहीं, आते समय मैं एंटर करता हूँ और वहां पे ऑटोमेटिक बंद पड़ती है ये इश्यू, और किस बंद पड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ जाती है। फिर मैं वापस यहाँ पे ढलान की वजह से थोड़ा आगे तक आता हूँ और फिर वापस इसको रिबूट करता हूँ, तब जाके ये काम करना स्टार्ट करती है। और ये टनल वाला इश्यू तो मैंने लगभग अभी तक 8 से 9 बार अप डाउन किया है, हर बार हुआ है। कल तो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, मेरे को पता था होगा, मैं टनल वो जम्मू हिमाचल ढाबा है वहीं से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। मैंने कहा कि क्योंकि ये हो गई होगा फिक्स है, टनल में बीच एक ही जगह पे होता है। Okay.
कस्टमर की गाड़ी है ये। हाँ, इतनी गंदी गाड़ी लगा, कहाँ से कैसे खोजेगा, कहाँ मिलेगा। ओहो, कल लेके आया इतना गंदी था। तो गाड़ी है कि क्या है ये। और ये नीचे सारा उखड़ा हुआ है। तो कैसी ये इतने वो तो शायद हम सब किए हैं काम करने के लिए। यार पासवर्ड में हमको उसमें किसी का मिला हुआ था। इसमें मेरे को दो मेन इश्यू है। एक तो जैसे कि स्पीड में चल रहा हूँ, तो उस समय जैसे कि 50-60 की स्पीड में चल रहा हूँ, चलते चलते क्या होगा कि रेस ब्रेक हो जाएगी, फिर 10 की स्पीड में आएगी वापस गाड़ी और फिर ऑटोमेटिक रेस वापस पकड़ लेगी। हाँ, एक तो ये इश्यू है, और एक ये कि जब मैं टनल के अंदर जो है ऑटोमेटिक ये आते समय बंद पड़ जाती है, फिर वापस बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। वापस अपन ये थोड़ा क्रॉस करके सिटी साइड आते हैं अमरक महादेव जी तक, और फिर ये वापस रिबूट करने पे ही स्टार्ट होगी। बाकी तो बंद करके चालू करो रेस, नॉर्मल स्पोर्ट इको कोई सब मोड लगा लो, नहीं रिबूट करने पे ही वापस स्टार्ट होती है। ये इश्यू तो हर बार का है। चला, अगर वो इश्यू दिखाना हो तो मैं भले लेके चला जाऊं। वो टनल में जो है वो तो हर बार रहता है, या तो वहां पर कुछ नेटवर्क की अगर कुछ कनेक्टिविटी हो वो ड्रॉप होता हो, बाकी मैं भले ले जाके दिखा सकता हूँ। वो सिर्फ टनल में तो बिल्कुल बंद होता है। मैं 8 से 9 बार जब से लिए है ना, 8-9 बार मैंने सफर किया है, जाते वक्त नहीं आते वक्त ही नहीं, जाते वक्त टनल अलग है ना, आने वाली टनल थोड़ी लंबी है, उसमें ब्रेक होती ही होती है, और ये हर बार का, इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड कर पाया। बोले वो तो मैं अभी ज्यादा दूर नहीं है, ले जाके दिखा के लिया, वो तो इनके साथ चले जाता हूँ, टेस्ट राइड भी हो जाएगी, देख लेंगे, ये चला लेंगे, चला भी ये लेंगे। मोड चेंज करो ना, ऐसे नहीं होगा। ये और पावर बटन नॉर्मल हुआ है, ये इको प्रेस करके रखने पे इको पे ले जाओ। जी हाँ गाइस, तो अभी ये सर्विस सेंटर वाले मेरे ओला S1 X+ को एक बार चेक करने के लिए, टेस्ट राइड के लिए लेके गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या इश्यू है। वैसे मैं पर ये है कि मेरे को लग रहा है कि इनके पास पहले कभी ये प्रॉब्लम तो इनके ये रेस ब्रेक होने की आई है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये प्रॉब्लम इनको बताई और ये भी एक तरीके से इनके चेहरे पे जो स्माइल थी उसको देख के लग गया है कि ये प्रॉब्लम ना केवल मेरे साथ, रेस ड्रॉप होने की प्रॉब्लम बहुत सारों के साथ आ रही है। मैंने वैसे रिकॉर्ड किया है या नहीं किया मेरे को नहीं पता, पर एक बार मैंने जब इनसे पहले भी पूछा था तो इनका जो टेस्ट व्हीकल है उसमें भी ये सेम इश्यू आता है, और ये लोगों को ज्यादा पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि आप नॉर्मल अगर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें ये चीज नहीं होती। जब आप इसको लॉन्ग रूट पे लेकर के जा रहे हो, जैसे कि मेरी जो जर्नी रहती है एक बार में चालू करने के बाद 60 से 70 किलोमीटर में स्कूटर को चलाता हूँ, तो उस केस में ये दिक्कत जो है सामने आती है। तो जो ये देख रहे हैं कि मेरे स्कूटर में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो अपने गाड़ी को अगर लॉन्ग रूट पे चला करके देखिए तो वहां पे मे बी आपको एक्चुअल जो चीजें हैं वो पता लग पाए। जी हाँ गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जिस बंदे को मेरी गाड़ी टेस्ट करने के लिए थी उसको इसमें मोड चेंज करना नहीं आ रहा था, तो अब वो क्या ही टेस्ट राइड करेगा और क्या ही वो इसमें प्रॉब्लम जज कर पाएगा। ये आ गई है अपनी गाड़ी, तो चलते हैं एक बार फिर से अंदर।
जी हाँ गाइस, तो अभी यहाँ पे भी इनका यही कहना था कि अभी इनके पास भी कोई सर्विस मॉड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से ये भी क्या चीज़ रिप्लेसमेंट करनी है इसके अंदर, वो इनको भी आइडिया नहीं है। तो अभी मैंने जो बात हुई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड की है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, वही क्लिप इनको भी भेजनी है, ताकि ये अपने आगे के जो भी इनके हेड जो हैं उनको वो भेज पाए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि अगर चलते चलते आप अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो और उस टाइम पे अगर आपकी रेस जो है वो छूट जा रही है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ है ओला का इशू। तो अभी तक इनके पास, तो आप भी अगर ओला S1 X+ ले रहे हैं, तो इनके पास भी कोई ऐसा अभी सर्विस का जो इनका जो है इशू काफ़ी बड़ा है, जो कि वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। तो अभी गाड़ी लेके मैं वापस आ गया हूँ, आया हुआ हूँ, तो हाइपर चार्ज कर लेता हूँ। तो हाइपर चार्ज पे लगा रखी है मैंने। तो ओला से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी मार्केट में उतारने से पहले पहले अपने सर्विस स्टेशन जो भी हैं आपके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर देते, ताकि लोगों को कुछ इश्यू आए तो उनको प्रॉब्लम जो है वो टाइम रहते सॉल्व हो पाए। मतलब आपके सर्विस स्टेशन वालों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उससे पहले आपने मार्केट में गाड़ी उतार दी है, और अब अगर कस्टमर्स को कोई दिक्कत आती है तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो नहीं पाता है टाइम रहते है। अभी देख सकते हैं रेस जो भी हो रही है, मैं कितनी भी रेस दे रहा हूँ, जीरो जीरो आने लग गया है। आप स्क्रीन देखिए, यहाँ पे गाड़ी जो है पूरी तरीके से रुक गई है। आप देखिए स्क्रीन किस तरीके से स्पीड। दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, और अभी जीरो जीरो हो गया है, जबकि गाड़ी चलते चलते ये सब हुआ है। और मैंने स्पीड तेज रख रखी थी, ताकि गाड़ी जो है स्पीड से मोमेंटम से आगे निकल जाए। इस चैनल में मेरे को हर बार दिक्कत आती है, या तो इसमें कुछ नेटवर्क का इश्यू होता है या क्या होता है इन पहाड़ियों के बीच में। अभी देखिए जीरो जीरो हो गई है पूरी तरीके से, पास में लाके दिखा, ये जीरो जीरो हो गई है, जबकि गाड़ी अभी नॉर्मल मोड पे है। अब ये ढलान की वजह से अभी गाड़ी चलती जा रही है हाथ की तरफ, और ये देखिए आप, मैं अभी रेस लगा रहा हूं पर कुछ भी नहीं हो रहा है, रेस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब इसको रिबूट करूंगा तब जाके ये, और ये भी आगे जब अपन पूरा आगे चले जाएंगे अमृत महादेव जी के पास में, तब ये वापस सोल्व होगा, और ये हर बार की दिक्कत है। इसीलिए मैंने आज पहले से कैमरा ऑन करके रखा था कि ये चीज रिकॉर्ड कर पाऊं। बाकी कोई यकीन ही नहीं करता है कि ऐसा नहीं हो सकता चलती गाड़ी में, पर ऐसा हो। इस टनल में मेरे पास, मैं जितनी बार इस टनल से वापस आया हूं, तो तब ये दिक्कत आई है। और ये कहते हैं कि मोड चेंज करके देखो, अभी मैंने स्पोर्ट मोड कर दिया है, तब भी ये रेस नहीं ले रही है गाड़ी। यहाँ पे ढलान है, तो ढलान की वजह से गाड़ी जा रही है, पर जब मैं अब आगे जाऊंगा फिर इसको रिबूट करूंगा, तब ये वापस ऐसी चलेगी नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। स्पोर्ट मोड या नॉर्मल मोड, कोई सा भी मोड काम नहीं करेगा। इको भी लगा देते हैं,
ये इको भी लगा दिया, कोई मोड काम नहीं कर रहा है। अब ये ढलान यहाँ पे खत्म हो रही है तो ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद मेरे को अब इसको वापस रिबूट करना पड़ेगा, तब ये गाड़ी चलने वाली है। जी हाँ गाइस, तो अब इस गाड़ी को रोकते हैं। ये देख सकते हो सामने की तरफ है बाहुबली ढाबा, और यहाँ पे आके अब ये गाड़ी पूरी तरीके से रुक गई है। चलिए तो इसको रिबूट करते हैं। ये अभी मैंने इसको पार्क मोड में डाला है, अब इसको एक बार मैं बंद करता हूँ। जी हाँ, तो अभी मैं इसको वापस से ऑन करता हूँ, पार्क का पासवर्ड डाल रहा हूँ। ऑन हो गई है, अब मैं इसमें नॉर्मल मोड करता हूँ। अभी भी ये रेस नहीं लेगी, बिल्कुल ये रेस नहीं लेने वाली है, कितनी भी रेस दे दो नॉर्मल मोड पे। अब इसको पूरा रिबूट ही करना पड़ेगा। चलिए तो रिबूट करते हैं इसको, पहले तो बंद करते हैं। ये बंद की, अब इसको रिबूट करना पड़ेगा। ये अभी गाड़ी जो है वो रिबूट हो रही है। और आफ्टर रिबूट ये नॉर्मल सी चल जाएगी ये, क्योंकि डेली का मेरे साथ होता है तो मेरे को पता है कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, तो अब डालते हैं वापस से पासवर्ड। और अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल जाएगी। देखिए मैं आपको ये नॉर्मल मोड पे डाला और ये रेस लगाई, तो ये गाड़ी चल गई। अब ये गाड़ी इस तरीके से नॉर्मल चलेगी कि जैसे कि कुछ हुआ भी नहीं था। अब ये आराम से नॉर्मल मोड में वापस से चलने लग गई है। क्या बोले, तो ये मेरे साथ हर बार ये दिक्कत होती है, पता नहीं इस टनल के अंदर क्या होता है। मैं अगर होगा तो कल एक बार इनके एक्सपीरियंस सेंटर से किसी मैकेनिक को साथ में लाके या टनल तक आऊंगा। तो अभी चलते हैं सीधे घर पे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो आती है वहां मैंने पहले से इसीलिए कैमरा ऑन किया था, और यही चीज मैं बताना चाह रहा था।